गुड मॉर्निंग बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स के बैनर तले आप लोग के बीच कैचअप कोर्स लेकर उपस्थित। आज हम वर्ग 6 के लिए कैचअप कोर्स लेकर आए हैं 5 का, और वो पर्यावरण हमसे। आज हम पहला आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के लिए कुछ बेसिक चीज हम आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। आज हम लोग बच्चों ने आज हम लोग सभी कोई एक यात्रा की यात्रा में चलेंगे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे स्थान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, उस पाठ का नाम है पटना से नौखरा की यात्रा। देखिएगा इस चैप्टर में दो चीज आया है, एक पटना आया है और दूसरा नाथुला आया है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पटना आप सभी को जानते हैं ना कि पटना हम किस राज्य में रहते हैं, तो हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं। सही बात, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? हाँ सही, कि बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। तो यह पटना से यात्रा है और वहां तक जाना है नाथुला। आप लोगों को पता है नाथुला कहाँ स्थित है? तो हाँ सही बोले आपने कि नाथुला कहाँ स्थित है, तो नाथुला सिक्किम में स्थित है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पटना बिहार की राजधानी है, नाथुला सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। यह यात्रा मान लीजिए कि आज से आप लोग 11 साल पहले किए होंगे। तो वह यात्रा कब किया गया था? नाथुला पटना से नाथुला की यात्रा जो है आपका जो विषय वस्तु में है वह 8 नवंबर 2010 से किया गया। मान लीजिए कि यह 8 नवंबर 2010 के जगह पर आप लोग होते और आज का समय होता 2020। और हम लोग सभी जानते हैं यात्रा हम लोग जब करते हैं तो यात्रा हम तीन तरह से करते हैं, एक या तो सड़क मार्ग से, दूसरा जिसे हम स्थल मार्ग कहते हैं, दूसरा जल मार्ग से और तीसरा वायु मार्ग से। तो यह आज यात्रा जो किया गया है स्थल मार्ग से, और स्थल मार्ग में ही हम दो तरह से यात्रा करते हैं, एक सड़क मार्ग से और दूसरा रेलवे मार्ग से। तो यह यात्रा जो है रेलवे मार्ग से किया गया। अब ये जान लीजिए, कल्पना कीजिए कि यह यात्रा आप लोग कर रहे हैं, आप हम लोग सभी मिलकर कर रहे हैं। और यह यात्रा में जब हम पटना में जाकर गाड़ी चढ़ते हैं, ट्रेन चढ़ते हैं और वहां से गाड़ी चलना शुरू होती है, तो जब गाड़ी शुरू होती है तो वह गाड़ी चलते हुए अगर कहीं रुकने वाली नहीं है तो हमें बिहार की सबसे अंतिम छोर पर वह गाड़ी जाकर रुकती है, और वह स्थल है आपका कटिहार। यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कटिहार बिहार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क रेलवे मार्ग है। उसके बाद हम यात्रा, चूंकि हम पटना से नाथुला की यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा में जो हमारा सबसे पहला पड़ाव मिलेगा, जो हम सुबह को उठेंगे तो हम देखेंगे कि मेरी गाड़ी रुकी हुई है, और वह स्थल होगा न्यू जलपाईगुड़ी। अब पूछिएगा आप लोग बताएं, जब जाने के लिए उत्सुक होंगे कि सर न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है, तो न्यू जलपाईगुड़ी आपका कहाँ है? वह बंगाल में स्थित है। और आपको हमने कल बताया था कि बंगाल की राजधानी कहाँ है? पटना, कोलकाता। और बंगाल में ही स्थित न्यू जलपाईगुड़ी है, बंगाल की सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन में से एक रेलवे स्टेशन ये है। और यहाँ से हम लोग सिक्किम की ओर रूट को चेंज करेंगे, अर्थात स्टेशन को, ट्रेन को बदलेंगे, और यहाँ से हम बदलकर हम दार्जिलिंग, जो हमारा दूसरा जो सबसे स्थल, जो हमें दूसरा रेलवे स्टेशन जो मिलेगा जहां पर हम रुकेंगे वह होगा दार्जिलिंग। आप लोग को जानकर खुशी होगा कि दार्जिलिंग सिक्किम जाने वाला पहला पर्वतीय स्थल है। हम जब सिक्किम, हम लोग सिक्किम की राजधानी सिक्किम जा रहे हैं, चूंकि जानते ही हैं कि नाथुला कहाँ स्थित है, हमने बताया सिक्किम में, और सिक्किम जाने के लिए सबसे पहला जो पर्वतीय स्थल जो हमें मिलेगा वह मिलेगा दार्जिलिंग। और आप लोग को एक चीज और जानकर खुशी होगी कि दार्जिलिंग में रेलवे, दार्जिलिंग में भी रेलवे चलती है, और वहां
के रेलवे को हिमालयन रेलवे कहते हैं, और जानकर आप लोग और खुशी होगी कि हिमालयन रेलवे को विश्व यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में लिया है। और आपको ये भी बता दें कि हिमालय रेलवे दार्जिलिंग जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला शिवालिक पर स्थित है, और यह इसकी जो ऊंचाई है 2134 मीटर है। और आप लोग घर में हम लोग सभी कोई चाय भी देखिए, कुछ देर पहले आप लोग सुबह में चाय पिए, तो वह जो चाय जो हम लोग पीते हैं उसमें जो चाय पत्ती होती है वह चाय पत्ती आपका सबसे बेस्ट चाय पत्ती जो होती है वह दार्जिलिंग में ही होती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में पुनः इससे आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।